नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप किसी भी रेफ्रिजरेशन लाइन में हो या किसी टेक्निकल लाइन में, आप इस तरह के प्रेशर गेज में प्रेशर को जरूर देखते होंगे या कभी न कभी इस तरह के प्रेशर गेज में प्रेशर को देखा होगा। दोस्तों इस तरह के प्रेशर गेज कई प्रेशर यूनिट्स में आते हैं, जैसे केजी, पीएसआई, बार, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, एटीएम, तो कई तरह के प्रेशर यूनिट्स में आते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो प्रेशर गेज है ये पीएसआई में है, तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ जो है ये पीएसआई का ग्राफ है। तो इसमें पीएसआई जो यूनिट्स होता है, प्रेशर मापने की जो इकाई होता है, उसमें इस प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है। तो दोस्तों पीएसआई जो होता है ये प्रेशर मापने की एक इकाई है, यानी कि एक यूनिट है जिसके जरिए प्रेशर को मापा जाता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे पीएसआई के बारे में। दोस्तों पीएसआई क्या है और पीएसआई से आप क्या समझते हैं, पीएसआई को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस वीडियो में हम फुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों पीएसआई जो प्रेशर गेज है कई जगह इस्तेमाल होता है और इसे गैस और लिक्विड दोनों के प्रेशर को इस पीएसआई गेज से मापा जाता है। ये इंडस्ट्रियल और टेक्निकल लाइन में या कई पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है, इस प्रेशर गेज को। तो पीएसआई का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। पाउंड पर स्क्वायर इंच इसका मतलब कि एक स्क्वायर इंच के एरिया पर एक पाउंड का बल लगाया जाए, यानी फोर्स लगाया जाए, तो जो प्रेशर लगता है दबाने में उस प्रेशर को एक पीएसआई कहते हैं। यानी एक स्क्वायर के एरिया पर कोई चीज, एक पाउंड का कोई चीज रख दिया जाए तो जितना दबाव लगता है उस दबाव को एक पीएसआई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं कि ये जो रिसीवर है ये रिसीवर एक तरह का टैंक है और इसमें देख सकते हैं कि 100 पीएसआई प्रेशर है। देख सकते हैं कि 100 पीएसआई प्रेशर है इसमें। तो इसका ये मतलब कि इस रिसीवर के अंदरूनी सतह पर समान रूप से हर एक स्क्वायर इंच के एरिया के ऊपर 100 पाउंड का दबाव लग रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, यानी कोई चीज 100 पाउंड का कोई चीज रख दिया गया उतना दबाव लग रहा है इस रिसीवर के अंदरूनी सतह पर 100 पाउंड का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पाउंड को अगर हम केजी में कन्वर्ट करें तो आधा केजी होता है, एक पाउंड का केजी में आधा किलो होता है, यानी 0.454 केजी, यानी लगभग आधा केजी। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि 100 पीएसआई है तो 100 का आधा हो गया, ठीक है, यानी 50 केजी। यानी कि इस रिसीवर के अंदरूनी सतह पर समान रूप से चारों तरफ से अंदरूनी सतह पर हर एक स्क्वायर इंच के एरिया पर 50 केजी का दबाव लग रहा है बाहर की तरफ। या यूं समझ लीजिए कि कोई एक स्क्वायर इंच का एरिया है उस पर 50 केजी का कोई चीज रख दिया गया है उतना दबाव इसके अंदरूनी सतह पर लग रहा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पीएसआई प्रेशर यूनिट नॉन एसआई यूनिट है, इसका इस्तेमाल सिर्फ यूएस में प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। बाकी प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए इंटरनेशनल यूनिट है पास्कल, जो कि इसे न्यूटन पर स्क्वायर मीटर कहा जाता है। दोस्तों 1 पीएसआई के प्रेशर 6895 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। तो दोस्तों ये जो रिसीवर है इस रिसीवर के चारों तरफ भी प्रेशर है जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं और उसे हम एटीएम में मापते हैं। ठीक है, उसका प्रेशर यूनिट है एटीएम। तो हमारे धरती का जो वायुमंडलीय प्रेशर है ये 1 एटीएम प्रेशर होता है, यानी पीएसआई में देखें तो 14.7 पीएसआई होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम 14.7 पीएसआई में रह रहे हैं लेकिन हमें महसूस नहीं होता। इसलिए महसूस नहीं होता कि हम इसी में पले बढ़े हैं और हम इसके आदि हैं, हम इसमें ढल चुके हैं, इसलिए इस प्रेशर को हम महसूस नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये प्रेशर यहाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 14.7 पीएसआई का प्रेशर अभी भी यहाँ पर है, लेकिन ये जो प्रेशर होता है ये सी लेवल के आसपास होता है इतना प्रेशर, लेकिन लगभग ये नॉर्मल प्रेशर होता है वायुमंडल का जो धरती के ऊपर होता है 14.7 पीएसआई, यानी 1 एटीएम प्रेशर। तो बाहर का जो वायुमंडलीय प्रेशर जो है ये इसको दबाव डाल रहा है 14.7 पीएसआई का बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, तो किसी भी बाइक का हम टायर में हवा भरते हैं तो लगभग 40 पीएसआई के आस भरते हैं। 40 पीएसआई अंदर का जो प्रेशर है वो हो गया और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 एटीएम का प्रेशर है 14.7 पीएसआई, अगर जोड़ें तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 54.7 पीएसआई, यानी 40 पाउंड अंदर का प्रेशर और बाहर का 14.7 पीएसआई का प्रेशर, तो 54.7 पीएसआई का प्रेशर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो
इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। कोई एक छोटा सिलेंडर है, उसमें 100 PSI प्रेशर सहने की क्षमता है, ठीक है। अगर उसको किसी वैक्यूम चेंबर में रखकर बाहर के एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो उसको खींच लिया जाए तो वो सिलेंडर फट सकता है, क्योंकि उसका जो क्षमता है वो 100 PSI का है, लेकिन उसमें 14 PSI और बढ़ गया क्योंकि बाहर का जो सपोर्ट है वो खत्म हो गया, इसलिए वो फट सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों PSI में मापा जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।